बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए, सांगना किस तरह का गाना होने वाला है, हाउ इट मतलब ये दो कपल जो है क्यूट कपल कैसे ऑन बोर्ड आए, और अगर ओके जर्नी के बारे में बताएं। यस थैंक यू। सांगना इज अ रोमांटिक सॉन्ग कंपोज्ड बाय अश्विन भंडारे, कंपोज्ड एंड द लिरिक्स आर ऑल्सो रिटन बाय अश्विन भंडारे। टी सीरीज हैज़ रिलीज दिस वीडियो टुडे। सांगना इज अ स्टोरी ऑफ अ कपल हु वर्क्स इन द सेम ऑफिस एंड द गर्ल इज ट्राइंग टू अट्रैक्ट वो द हर बॉस एंड द बॉस नोज दिस बट ही इज नॉट पेइंग मच अटेंशन टूवर्ड्स हर। द स्टोरी इज वन लाइनर इज लाइक दिस। मिस्टर राहुल खंडारे हैज़ ब्रिलियंटली डन द वीडियो। सो सांगना इज अ सॉन्ग ऑफ टूडेज कपल। द ऑफिस, एवरी ऑफिस हैज़ अ स्टोरी वॉज वन लाइनर ऑफ दिस वीडियो एंड आई वॉन्टेड द लुक एंड फील ऑफ द वीडियो एग्जैक्टली हाउ द वे यू आर सींग इट नाउ। सो अगेन थैंक्स टू माई एंटायर टीम, थैंक्स टू स्पेशली बोथ ऑफ देम। दे आर बिजी इन देयर ओन वर्क, दे आर बिजी इन देयर ओन सीरियल शूट्स एंड अदर एक्टिविटीज एंड शूटिंग फॉर वन वीडियो, गेटिंग इन टू दैट जोन। एक दिन में हमने ये सब वीडियो शूट किया है, यू वोंट बिलीव। सो यू कैन इमेजिन द प्रेशर ऑन ऑल ऑफ अस, बट थैंक्स टू बोथ ऑफ देम। वो जो रोलर कोस्टर राइड था, हम सब उस पर बैठ गए और जो इमोशंस और जो गाने का मूड है, एक स्पेसिफिक रिदम है गाने को, सो वो समझ कर एक्ट करना, बिकॉज इट्स अ वीडियो, इट्स अ म्यूजिक वीडियो, यू हैव टू प्रेज, यू आर प्रेजेंटिंग दोज लिरिक्स एंड दैट सिंगिंग, वो समझ के काम करना इज वॉट आई वॉन्टेड। एंड आई थिंक अभिजीत एंड सुखदा, हुएवर इज सींग द वीडियो सिंस मॉर्निंग, दे आर टेलिंग मी वाओ व्हाट अ सिलेक्शन, दे वर मेंट फॉर दिस वीडियो। बहुत सारी पॉजिटिव कमेंट्स आ रही हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव दिस टू विथ मी इन द वीडियो। एंड राहुल जी, आई मस्ट थैंक हिम फॉर शूटिंग दिस सॉन्ग द वे आई वॉन्टेड। आई वॉन्टेड इट लाइक अ क्यूट क्लोज स्टोरी, a story happening in the audience, in the office. I'm sure every office has a story. Hum jitna samay shayad kam guzarte hain ghar pe, lekin office mein zyada samay hum guzarte hain, tab office ka apna ek life hota hai, apni ek family hoti hai. So this story revolves around the your life in the office. So thank you again to my entire team, and the look and the feel has even I must thank Tanmay, who has given me the costumes according to the setup of the video, formal and okay. I must thank them. कुछ costumes हैं जो हमने decide करके, उनकी जो comfort level थी उसके हिसाब से उन्होंने खुद अपने costumes मेरे लिए लेके आए कि बाबा this is what we add on to the video. So add on, yes, add on is the line. Add on, सब ने अपना अपना add on किया है इस गाने में। साथ जो आपको लुक एंड फील दिख रहा है गाने का, द क्रेडिट गोज टू ऑल, एंड ऑफ कोर्स टी सीरीज हु हैज गिवन मी फ्रीडम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ द वे आई वॉन्टेड। एंड आई थैंक द एंटायर टीम ऑफ टी सीरीज फॉर सपोर्टिंग मी थ्रू आउट दिस जर्नी, बिकॉज दिस जर्नी स्टार्टेड वन ईयर बैक विथ अश्विन हु कंपोज द सॉन्ग, एंड नाउ टुडे वी आर एक्चुअली हैविंग द वीडियो रिलीज ऑन टी सीरीज। आई थिंक for me it was a long process, but thank you God, and thanks to all of them, this is my dream come true. Thank you. Right, Abhijit, Sukhida, आप दोनों से जाना चाहेंगे, जैसे थोड़े टाइम पहले मैम ने कहा था कि आपको जब आपकी फिल्म जब रिलीज हो रही थी फर्स्ट फिल्म, तब जो है उन्होंने आपको देखा था और फिर ये प्लान किया उन्होंने, तो क्या बताया था उन्होंने इस बारे में आपको, जब ये गाने के बारे में उन्होंने बताया कि मैंने पहले आप लोगों को देखा था, ऐसा अगर कुछ उस बारे में शेयर करना चाहे, और अगर आपकी केमिस्ट्री के बारे में भी कुछ हमारी ऑडियंस को बताना चाहे। जी, एक तो ये अपने आप में हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये जब इन्होंने सोचा था हम दोनों को देखकर, ये बात वो 10 साल पुरानी बता रही है,
और 10 साल पहले वो दौर था जब हमारी 14 दिन पहले शादी हुई थी. अभिजीत की वो पहली फिल्म थी और इन्होंने शायद मुझे साड़ी और 3 मंगलसूत्र और सिंदूर और हाथ में पूरा चूड़ा पहने देखा था, क्योंकि मैं घर के काम घर असेंबल करके अपने पति के प्रीमियर पर पहुंची थी. और आज 10 साल बाद जब वैशाली ताई का कॉल आया, एक तो वैशाली ताई से कई बार सोशल फंक्शंस पे हमारी मुलाकात रही है और जितनी फॉर्मली बात होती है उतनी ही हो पाई है. मैंने हमेशा से ही वैशाली ताई के काम को इतना पसंद किया है और इतना सराहा है कि कई बार ऐसा होता है ना, जो हमारे फेवरेट आर्टिस्ट हमारे सामने आते तो आप टंग टाइड हो जाते हैं. मतलब हम क्या बताएं कि गाना बहुत अच्छा था, हम क्या बताएं कि वाह आप कितना अच्छा गाती है. उस चक्कर में मैंने उन्हें कभी कॉम्प्लीमेंट किया ही नहीं, हम बस फॉर्मली बस ऐसे मिल के निकल जाते थे. ये पहला इंटरेक्शन रहा है जहाँ पे हम लोग इतना वक्त एक साथ गुजार पाए हैं और इस म्यूज़िक वीडियो के बहाने से ही सही आज ये इंटरेक्शन और ये केमिस्ट्री और ये घर वाला मैं जिसे कह सकती हूँ वो एक रिश्ता सा बन गया है. तो इन्होंने जब कहा तो मैं तो बहुत खुश हो गई, क्योंकि कई बार कई लोग, हम दोनों ही एक्टर्स हैं अभी और मैं, मैंने ज़्यादातर हिंदी में काम किया है, थिएटर ज़्यादा किया है, टेलीविज़न किया है, तो समहाउ हमारे पाथ्स कभी क्रॉस नहीं हुए अभी और मेरे. और हमेशा हमको कहा जाता था हमारी फ़ोटोग्राफ्स देखकर या कोई ऐसी चीज़ देखकर कि एक साथ तुम लोग क्यों भाई काम नहीं कर रहे हो, और हम कहते रहते कि भाई कर लो फिर कोई हमें कास्ट. तो ये ऐसे इस तरह होना था. और तो आई जम्प्ट एट द अपॉर्चुनिटी और मैंने कहा हाँ ज़रूर, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है. गाने के बारे में मैं ये बताना चाहूँगी कि इस गाने के जो लिरिक्स हैं, अगर उन लिरिक्स को मैं कागज़ पर पढ़ती जैसे कोई कविता या कोई गाना पढ़ के, तो शायद वो गाना पढ़ के मुझे लगता कि किसी गांव में शूट होगी शायद इसकी, जिसे साड़ी और धोती और बैलगाड़ी में एक रोमांटिक सा आप कुछ ये करेंगे. क्योंकि मराठी लैंग्वेज की ना अपनी इतनी ग्रास रूट और एक मिट्टी की खुशबू वाली क्वालिटी है कि इतने सारे उसके सिरे अलग अलग हैं. आप जितनी पढ़ेंगे, जहाँ की पढ़ेंगे, वहाँ की वो मीठी ही लगती है. तो इतनी सुंदर है. तो मैंने जब ये सुना तो मैंने कहा अरे ये तो टेक ही अलग है इस लैंग्वेज के लिए, इस ये विजन ही अलग है. और जब इनसे मेरी बात हुई, शी वॉज एब्सोल्युटली क्लियर कि उन्हें ये गाना ऐसे ही शूट करना है, इसी लुक और फील के साथ. ये एक एक बिल्कुल अर्बन कहानी है और चाहे वो इतनी मिठास है उन लिरिक्स में. अगर मतलब कई बार ऐसे होता है कि विजुअल्स आते तो एक हाथ हमारा छूट जाता है, पर इतने सुंदर लिरिक्स हैं. हम लोग शूट करते वक्त भी कहते रहते थे, क्योंकि एक्टर्स हमेशा हम इमोट करते वक्त हमारा ध्यान लिरिक्स पर होता है और शब्द आपके लिए शब्द इम्पोर्टेंट होते हैं बहुत. तो वो हमने उस हिसाब से ज़्यादा सुने वो शब्द इमोट करते वक्त, और हर बार हम कहते थे कि ये कितना प्यारा है, पर इसे इस एंगल से दिखाया जाना ये और भी आई थिंक क्रेडिटेबल बात है, जो इनका विजन है. और हमारे डायरेक्टर शूट जिस दिन हम ये पूरा गाना हमने एक दिन में शूट किया है, लेकिन इससे पहले हम चारों की हमारे डायरेक्टर राहुल जी, वैशाली ताई, अभी और मैं, हमारी एक लंबी मीटिंग हुई जिसमें हम सारे एक पेज पे आ गए, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, कॉस्ट्यूम्स क्या रहेंगे, लुक कैसे एक्सपेक्टेड है, इन दो किरदारों के एनर्जीज कैसे एक्सपेक्टेड हैं, हर चीज़ डिस्कस हुई और फिर हम फ्लोर पे गए. और आई थिंक सिर्फ इसलिए हम एक दिन में ये शूट कर पाए. करें क्योंकि इसमें कोरियोग्राफी है, इसमें इमोशन है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक पूरी की पूरी स्टोरी है जो अतः से इतनी हमें आपको दिखानी है. अगर तो कोई चीज़ छूट नहीं सकती. मुझे याद है हमारे डायरेक्टर हमेशा कहते थे कि ये नहीं रहना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वो उस पॉइंट पे वो रियलाइजेशन है वो इम्पोर्टेंट है. और हमारा वो रहता था, और एंड ऑफ द डे ऐसा हो गया कि फुटेज ज़्यादा है, टाइम कम हो रहा है, वैशाली तो थोड़ा गुनगुना दो, हमें और टाइम चाहिए. सो आई थिंक ये बहुत ही सुंदर सा एक्सपीरियंस रहा हमारे लिए. अभिजीत, जैसे सुगता ने कहा कि
बहुत टाइम के बाद आप लोग दोनों ऑन स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, वो ट्रीट तो होगी लोगों के लिए, लेकिन क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं गाना देखने के बाद आप दोनों की केमिस्ट्री को लेके स्पेशली? बहुत दिनों से, बहुत सालों से लोग हमें पूछते आए हैं कि आप साथ में कब दिखोगे, साथ में कुछ काम कब करोगे, तो अनफॉर्चुनेटली अब तक ऐसा मौका आया नहीं था, एंड थैंक्स टू वैशाली एंड हर टीम कि उन्होंने हमें इस गाने में फीचर होने के लिए पूछा, एंड वी वर वेरी हैप्पी। और जैसा हम जब भी सोशल मीडिया पे कोई फोटो डालते हैं तो सरप्राइजिंगली मुझे ये बहुत पहले ध्यान में आया कि मैंने अगर मेरी वाली फोटो डाली तो यार आपको तो पता है मर्दों को कोई लाइक नहीं करता वैसे लेकिन उनके साथ फोटो डाली तो अरे बाप रे, इतने लाइक्स और इतने शेयर्स और कमेंट्स की पूछिए मत। तो समझ रहे ना कि हम जब साथ हाँ, में होते हैं। और उन्हीं कमेंट्स में मुझसे कई बार लोग कहते हैं कि ये ज्यादा हैंडसम है, तुम इनके साथ अच्छी नहीं लगती, वो भी आती है। मतलब कुछ वियर्ड लोग तो है ना सोशल मीडिया पे जिनको कुछ समझ में नहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच। सो एक हमें बहुत पहले से लोगों का ये प्यार मिलते आया है, थैंक गॉड अभी भी बहुत मिल रहा है। तो ऑब्वियसली ये वीडियो देखने के बाद बहुत अच्छी अच्छी कमेंट्स आ रही है, कॉम्प्लीमेंट्स आ रही है कि फाइनली वी गॉट टू सी यू टुगेदर। और अभी गाने से शुरुआत की है तो अभी आप किसी फिल्म में या किसी सीरियल में या किसी और काम में शायद माध्यम से हमारे सामने आई है, तो लेट्स सी आगे कैसे होता है, आई एम इवन लुकिंग फॉरवर्ड। चलिए मैम, गाना लोगों ने ऑलरेडी सुन लिया, अगर आपकी आवाज में दो लाइनें गुनगुना दें। हां हां हां, थैंक यू। सकाळ सांज वस तुझ्या अंगणात घराची वाट दिस तुझ्या बघण्यात मधाळ चांदण्यात निजावी रात दाराच्या आडून तुला मी बघण चालल का तुला बी माझ हे वागण सांगण काय तुझ्या ध्यानात येते का तुला माझ मन जवळ घेते सांगना। ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया, बहुत ही ब्यूटीफुल कहानी है। कैप्टन ऑफ द शिप से जानना चाहूंगा, और म्यूजिक डायरेक्टर आप हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या विजन था वैशाली मैम का, और अगर थोड़ा सा बताएं कि इस गाने की जर्नी के बारे में आप लोग कैसे ऑन बोर्ड आए और कैसा एक्सपीरियंस रहा? पहले लिरिक्स से शुरू करते हैं। यस जी, वैशाली की मेरी मतलब हम काफ़ी काम करते हैं, कई सालों से मैं जानता हूँ उनको, और हमारी हमेशा एक कोशिश थी कि कुछ करना चाहिए, अश्विन हम साथ में कुछ करेंगे, तो ऐसे कुछ और गाने भी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन किसी वजह से कुछ कभी कभी प्रोसेस में कुछ अटक जाता है या कुछ रह जाता है, कभी कुछ पसंद आता है, कभी कोई थॉट अच्छी नहीं लगती, तो ये सारी चीज़ें होती है। ये प्रोजेक्ट जो है, ये गाना जो है सांगना, तो ये मैंने कुछ लिखा था स्क्रैच, और उसको कंपोज करके मैं किसी और प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा था, उस फिल्म के कुछ 5-6 गाने थे, और ये वो करते करते ये गाने भी कुछ मेरे पास साथ में मैंने मतलब रखे थे, तो वो मुझे लगा कि शायद ये वैशाली के लिए ये गाना, क्योंकि हम लोग कुछ ढूंढ रहे थे ऑलरेडी, वी वर इन द प्रोसेस, तो एक क्लासिकल बेस्ड और सेमी क्लासिकल बेस्ड एक गाना कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले कुछ करना चाहते थे, और कोविड में काफ़ी सारा टाइम था मुझे R&D या थॉट प्रोसेस, मुझे मेरा सोच सोच के कुछ करने के लिए। इस गाने का अभी सांगना जो गाना है उसका मैंने एक स्क्रैच भेजा, और भेजने के बाद फिर वैशाली का इमीडिएट रिस्पांस आया कि ये बहुत एप्ट है अभी के लिए, वील डू इट फर्स्ट, तो मैंने बोला बहुत अच्छा है, क्योंकि और ट्रैक भी ऑलमोस्ट मेरा रेडी था, तो मैंने बोला कर लेते हैं फिर। एंड देन इसको लिखने के बाद, लिखने की वक्त एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि इसकी लिखावट पहले हमने बनाई थी, तो उसको ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमने जो उस फॉर्मेट में लिखा था, तो वो अगर मैं उस फॉर्मेट में नहीं लिखता तो कुछ
साधारण गाना लगता था। देखिए इसका इसकी लैंग्वेज है ना, गावरान बोलते हैं हम उसको, जैसे देहाती देहाती भाषा है, तो पहले इसकी थोड़ी प्योर फॉर्म में थी, शुद्ध मराठी, तो उसमें से हमने उसको चेंज किया बिकॉज इट वॉज साउंडिंग लाइक एनी अदर डायलेक्ट, कॉमल, मतलब कहीं भी सुना हुआ लगता था। फिर हमने उसको चेंज किया, चेंज करने के बाद फिर ध्यान में आया कि नहीं ये कुछ और लग रहा है, मीन्स अच्छा लग रहा है, ये जाएगा अच्छे से। और विजुअल ये था पहले कि देयर इज अ गर्ल, लड़की है, वो लड़के को अप्रोच कर रही है। देखिए ये बहुत कॉमन चीज नहीं है, मतलब अभी जैसे सुनने में आता है कि अब तक गाने जितने बने हैं उसमें बहुत कम सिचुएशन ऐसी होती है कि जहां पे अप्रोच लड़की करती है और यू नो शी इज ट्राइंग टू, यू नो, तो अभी ट्रेंड भी चेंज हो रहा है, तो इस हिसाब से हमने सोचा कि इसको करके देखते हैं और ये अच्छा क्लिक हो गया। और फिर हमने सोचा कि इसको करते हैं, अभी ये गाना लिखते जाएंगे, सांगना काय तुझा, द फर्स्ट लाइन जो है, सांगना काय तुझा ध्यानात येतया का तुझा तुला माझं मन जवळ घेतया, अभी मेरा दिल तुम्हें क्यों पास ले रहा है, ये उसका थॉट है। अगर मराठी में बोलेंगे कि जवळ घेणं मतलब अफेक्शन, लेकिन ये लिरिकली कहीं यूज नहीं हुआ है, का तुला माझं मन जवळ घेतया, तो वो थिंग्स जस्ट हैपेंड, यू नो, तो उस हिसाब से वो गाना बनता गया। राहुल सर क्या कहना चाहेंगे, एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट था, जैसे वैशाली मैम ने कहा कि एक दिन में पूरा गाना शूट करना था, कितना बड़ा चैलेंज था आपके लिए और कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरी कास्ट के साथ, वैशाली मैम के साथ? और मैं थोड़ा सा लिरिक्स की तरफ पहले जाता हूँ। जब मुझे वैशाली जी ने ये लिरिक्स पहले सुनाए, जब ये रफ ट्रैक मुझे जब सुनाया, ऑलरेडी वैशाली ताई का और ये मेरा तीसरा प्रोजेक्ट था, तो जब मुझे ये बात बताई कि ये ऐसा ऐसा गाना है और ये ऐसा ऐसा कुछ मेरे दिमाग में है कि इसको करते हैं, जब मैंने गाना सुना तो मुझे पहले जैसे महाराष्ट्र का इतना बड़ा, अपने इंडिया की इतनी बड़ी फेमस फिल्म है सैराट करके, तो वो थोड़ा सा वो विजन सामने आया कि अरे लैंग्वेज तो गांव वाली लैंग्वेज है, लेकिन अगर उसी पैटर्न पे अगर उसको शूट किया जाए तो उसका यूनिकनेस नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा हम लोगों ने दोनों ने डिस्कशन किया कि इसको कुछ अलग करते हैं, तो जब अलग करते हैं तो क्या अलग करते हैं, ये सोचते सोचते हमको आया कि एवरी ऑफिस हैज अ स्टोरी, वैसे ही एवरी पर्सन हैज अ लव स्टोरी। आप मैं एक कॉमन मैन जो है उसके दिल के पास कहीं ना कहीं एक छोटी सी लव स्टोरी होती है। अगर हम लोग डे टू डे का अपना जो शेड्यूल देखेंगे उसमें से हम लोग काफी टाइम हमारे ऑफिस में स्पेंड करते हैं, तो ऑफिस में थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्रश होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक कोई ना कोई अच्छा लगने लगता है, तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसको ऑफिस बैकग्राउंड पे शूट करते हैं। और जब हम लोगों ने इस लोकेशंस को देखा, जो ये अभी आप गाने में देख रहे हैं ISM जो लोकेशन है, तो देखने के बाद तो पता चला कि अपना गाना और लोकेशंस ये कैसे मैच होगा, तो फिर हम लोगों ने उसको एक अलग तरीके से उसको डिवाइड किया जो आप गाने में देख रहे हैं। और फिर अलग अलग लोकेशंस पे, अलग अलग जो ऑफिस का सेटअप है उसमें कैफेटेरिया है, उसके केबिन्स हैं, उसका कॉरिडोर है, इसको हम लोगों ने एक अलग तरीके से उसको फ्लरिश किया। जैसे अपने यहाँ पे थोड़ा सिंगल्स का, जैसे वैशाली ताई ने या अभिजीत ने थोड़ी देर पहले बताया कि अपने यहाँ पे सिंगल्स का दौर नहीं है, अभी थोड़ा सा मैं हॉलीवुड फिल्म्स करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि अपने यहाँ पे कुछ यूनिकनेस आए, और वही यूनिकनेस हम लोगों ने इस गाने में दिखाने की कोशिश की है कि हॉलीवुड के फिल्म्स में गाने नहीं होते, अगर आपने देखे तो वहाँ के जो स्टार्स हैं, वहाँ के जो सिंगर्स हैं, उनके खुद के एक एल्बम्स होते हैं। तो वैशाली ताई और हमारा वही था कि कुछ अलग से उसको प्रेजेंट किया जाए, एक यूनिकनेस दिया जाए। और एक दिन में गाना शूट करना, और हमारे फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कहा जाता है कि शिफ्ट अगर एक्स्ट्रा बढ़े तो प्रोड्यूसर के ऊपर उसका लोड बढ़ता है, तो वो डायरेक्टर के प्रेशर शोल्डर पे भी होता है कि वो गाने को विद इन शिफ्ट शूट करे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छे से प्लानिंग हम लोगों ने किया। इसलिए मैं, मेरे वैशाली जी जो प्रोड्यूसर हैं, सिंगर भी हैं, और साथ ही हमारे जो एक्टर्स हैं अभिजीत और सुखदा, अगर उनका कंट्रीब्यूशन उसमें नहीं होता कि एक वैशाली और सुखदा और अभिजीत हम लोग फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं, बट एक डायरेक्टर के ऊपर जो एक भरोसा होता है वो उन्होंने 100% दिया, उतना कोऑपरेशन दिया, उसके वजह से ये गाना निखर के आप लोगों के सामने आया है। और जो हर न्यू कमर के बीच में या एक जिसके दिल में प्यार है, जो अपने जिसके बारे में प्यार है उसके तक पहुंचाने के लिए, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा मीडियम है। अश्विन जी एक सवाल मेरा आखिर में, ये भी म्यूजिक ऑफकोर्स एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है, और एक लिरिसिस्ट होने के, लिरिसिस्ट और म्यूजिक अगर कोई एक ही बंदा करे तो वो निखर के आता है, और यहाँ पे निखर के आया, तो उस बारे में एंडली क्या कहेंगे? जैसे मैं सोच ही रहा था कि मैंने म्यूजिक के बारे में बोला नहीं है कुछ, गाने के बारे में बोल रहे हैं हम लोग, लिरिक के बारे में। देखिए क्या है, एज अ म्यूजिक कंपोजर, ये चीज मैं आपको, मतलब मैं क्या सोचता हूँ, व्हाट इज माय थॉट एंड टेलिंग यू,
मैं हमेशा वर्ड्स को इम्पोर्टेंस पहले देता हूँ, क्योंकि वर्ड्स ही होते हैं जो ट्यून बताते हैं. तो यूजुअली मैं कंपोज करते वक्त, कोई भी फिल्म के लिए कुछ भी हो, कहीं भी हो, मैं पहले वर्ड्स लेता हूँ, वर्ड्स सुन के फिर उसको कंपोज करता हूँ. ऐसे भी किसे हुए कि मैंने ट्यून पूरी स्टार्ट का पहला शब्द पढ़ा और एंड का शब्द पढ़ा और ट्यून रेडी हो गई. इतना वर्ड्स का इम्पोर्टेंस रहता है. लेकिन इस गाने में मैंने पहले ट्यून बनाई. ये आयरनी है, मतलब आई एम अ टोटल बिलीवर कि मैं पहले वर्ड्स देखूंगा फिर कंपोज करूंगा. लेकिन यहाँ पे क्या था, मैंने स्क्रैच बनाया था. अभी स्क्रैच रिकॉर्डिंग में कैसे हम लोग डमी लिरिक्स डालते हैं, तो ये आदत मुझे बहुत कई सालों से है, वो मैं करता आया हूँ. तो वो करते 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 लेकिन गाना बन गया. वो स्क्रैच कुछ और था, बट सिचुएशन में ये एग्जैक्ट सिचुएशन यही था, रोमांटिक लव. तो वो वर्ड्स मैंने उसको जेल कर लिया. बट अगेन आई एम टेलिंग यू, मैंने खुद को कॉन्ट्राडिक्ट किया पहली बार कि मैंने पहले लिरिक ट्यून बनाई फिर गाने के वर्ड्स लिखे, ये हुआ. बट एसेंस ऑफ द सॉन्ग, ये ट्यून मुझे कहीं लग रहा था कि ये ट्यून है, इसमें रोमांस किया जा सकता है और गाया जा सकता है, अगर सिंगर सही है तो गाया जा सकता है. तो वैशाली के बारे में सोचा तो मैंने बोला नो डाउट वी कैन डू दिस सॉन्ग. तो उनके हिसाब से जो की है या रेंज है, वोकल अरेंजमेंट्स है, ये सारी चीजें देख के हमने उसको बनाया. तो ट्यून देखो इसमें, मतलब मैं ये कह रहा हूँ बड़प्पन की बात नहीं है, लेकिन मिठास लाने के लिए कुछ करना पड़ता है. तो द स्वीटनेस आई हैव ट्राइड टू कीप इट इंटैक्ट, एंड एट द सेम टाइम द वर्ड्स, वर्ड्स को मीटर में कैसे स्कैन किया जाता है या बिठाया जाता है सो दैट इट डजंट साउंड अननेचुरल, अनप्लेजेंट कहीं भी दिखना नहीं चाहिए. तो वो उतना सिर्फ हमने केयर रखा है, बाकी सारा सिंगर का काम है. इसमें चलते चलते एक बात मैं ऐड करता हूँ कि इंसान अच्छा होगा ना तो उसका प्रोडक्ट अच्छा होगा. तो ये जो सारी हमारी जो टीम है ना, इन्होंने अपने सारे जेन्युइन एफर्ट्स डाले हुए हैं कि वो गाना हम लोग मतलब सुबह उठते हैं तो रात को सोते हैं तब तक ये गाना हम लोग 24/7 हमारे जहन में है. मतलब मेरी नीस है 2.5 years की, अभी ये गाना वो उसको बात करने नहीं आता बट वो गुनगुनाती है. वो तो ये एक जेन्युइन एफर्ट्स होता है, वो म्यूजिक डायरेक्टर और लिरिसिस्ट और सिंगर का क्रेडिट है वो, कि उस एज को भी वो गाना हिट कर गया. 2.5 years का अगर बच्चा वो गाना गुनगुनाता है तो वो बहुत बड़ा क्रेडिट है. It's humble. I'm really glad to know that. Thank you.